भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। हम सब भारतीय हैं, भारत माता हमारी जननी है, जो हम देश, हाँ देश में जब रहते हैं इंडिया में, इंडिया के अनेक संस्कृत, जैसे संस्कृति है, इंडिया के अनेक लोग हैं, जाति है, पंथ है, विचार है, उन सब विचार जाति पंथ को एक करने वाला जो हमारा कंसेप्ट है, जो हमारा वो भारतीय, भारतीय विविधता में एकता है। और मैं बिलीव करता हूँ श्री साई बाबा जी को, श्री साई संस्थान जो भारत में एक बहुत बड़ा मंदिर है, वो साई श्री साई बाबा संस्थान का उनका विचार है, सबका मालिक एक, हम सबका मालिक एक ही है। हम ईश्वर बोलो, अल्लाह बोलो, गुरु नानक बोलो, या ईसा मसीह बोलो, जो भी बोले, सब एक है। तो वो जो कंसेप्ट है साई बाबा ने, वो सीख हम सबको दिया है, 11 वचन दिए है कि आप अच्छे कर्म करो और समाज सेवा करो। समाज सेवा मतलब गरीबों की सेवा। उन्होंने अपना पूरा जीवन गरीबों को खाना खाने में दिया, जानवरों को दिया। जैसे सर ने बताया कि सिर्फ हिंदू संस्कृति बोलती है, सनातन धर्म बोलता है, तो वही सच्चाई है कि आप अपना कर्म करते रहिए। कर्म अगर आप अच्छे करोगे तो डेफिनेटली जो एस्ट्रोलॉजी है, एस्ट्रोलॉजी आपको बोलते हैं गुरु ग्रह है, गुरु ग्रह जो सबसे अच्छा है कि आप अच्छे कर्म करो, कर्म होगा तो ही आपको अच्छा गुरु मिलता है, कर्म होगा तो ही आपके नसीब में अच्छे गुरु, आपके नसीब में अच्छे विचार, आपके नसीब में अच्छे लोग जुड़ते हैं, और वो जुड़ने के बाद ही आप बड़े बनते हो। तो एस्ट्रोलॉजी में वही बताया हुआ है कि नवग्रह है, नवग्रह को हर एक अपने अपने कंध से बताया हुआ है क्या करते क्या नहीं करते, लेकिन सबसे बड़ा ग्रह है ईश्वर, परमेश्वर। परमेश्वर बोलता है कि आप अच्छे कर्म करो, कृष्ण में जो आपने गीता आप दिखा रहे, कृष्ण में वही कहा कर्म करो, अच्छे कर्म करेंगे आप, बेस्ट कर्म। बेस्ट कर्म मतलब क्या, दिखना अच्छा नहीं है, आपके मन में दूसरे के प्रति अच्छी भावना होनी चाहिए, अच्छे सम्मान होना चाहिए, विचार होना चाहिए। अगर विचार अच्छे कर्म हो गए तो डेफिनेटली सभी ग्रह आपको फेवरेबल सपोर्ट करेंगे। अभी ऐसे बताया कि 2024 चल रहा है, वो 8 नंबर का है, मतलब 2, 2, 4, 8 नंबर, 8 नंबर कंट्रोल टू शनि ग्रह। शनि ग्रह क्या करता है, वो इट इज़ अ वर्ल्ड सबसे बड़ा शनि ग्रह एक जज है, दुनिया का सबसे बड़ा न्यायाधीश है शनि ग्रह। वो क्या बोलते हैं, आप अच्छे कर्म करोगे तो आपका अच्छा फल मिलेगा, बुरे कर्म करोगे बुरा फल मिलेगा। जो आदमी को बीमारी मिलती है, जो आदमी को पद मिलता है, प्रतिष्ठा मिलती है, सम्मान मिलता है, वो आपके कर्मों से ही मिलता है। और सबसे बड़ा कर्म मिलता है वो शनि साढ़े साथी में, जो बोलते हैं साढ़े साथी, 7 ईयर्स, वो 7 ईयर्स लाइफ में 2 या 3 बार आते हैं हर एक के जीवन के हिसाब से। तो अगर वो आदमी अच्छे कर्म करेगा तो उसके साढ़े साथी के फर्स्ट सेकंड थर्ड में उसको अच्छे कर्म मिलते हैं और उससे कर्मों का फल भी मिलता है। यही कंसेप्ट है अपने एस्ट्रोलॉजी का। एस्ट्रोलॉजी यही सिखाता है कि आप अच्छे कर्म करते रहिए, और आप अगर अच्छे कर्म करोगे तो डेफिनेटली आपको सच्चा और आपका भला होगा। और जिस तरह एस्ट्रोलॉजी बताया कि लाइफ में एक ये प्रिडिक्शन जो बताया जाता है, ये प्रिडिक्शन एक कैलकुलेशन पार्ट है, मैथमेटिकल पार्ट है, और मैथमेटिकल पार्ट के बरोबर डेफिनेटली वो एस्ट्रोलॉजी भी बहुत अच्छा है। भारतीय प्रमाण से वो दुनिया से चलता आ रहा है काल, जैसे शून्य की गणना भारत ने की है, वो एस्ट्रोलॉजी की गणना भी भारत ने ही की है, स्टार्ट भारत माता स्टार्ट से हुआ है। और ये सच्चाई है अगर आप बिलीव करते हो, लेकिन किसी एक गुरु पे बिलीव करिए। मेरा जो अनुभव है, अगर आप एक एस्ट्रोलॉजर को बजाओगे वो अपना प्रिडिक्शन देगा, दूसरा अलग प्रिडिक्शन देता है, तीसरा अलग प्रिडिक्शन देता है, किसी भी एक 4 एस्ट्रोलॉजर को साथ में बैठाओगे उनको कॉमन प्रिडिक्शन कभी भी नहीं आता। ये भी एक ड्रॉबैक अपना है। मैं आपके मंच से विनती करूंगा कि ऐसा भी कुछ होना, टैरो कार्ड आए अलग अलग, लेकिन अलग अलग जब जाते हैं, हमारा एज ए सीएम है, एक सीएम मतलब क्या, ऑडिट करते हैं, ऑडिट मतलब दूसरे की गलतियां निकालते हैं, तो मैं क्षमा चाहता हूं, लेकिन गलती नहीं, लेकिन यह है कि जब 4 आप एस्ट्रोलॉजर बैठाओगे और 4 एस्ट्रोलॉजर अपना अलग अलग प्रेडिक्शन देते हैं, उनका कॉमन एक बोलता है। और ये भी सच्चाई है कि 4 ग्रह है, जैसे 4 ग्रह है, शनि मंगल राहु केतु, इनको ही पूरे दुनिया ने खराब करके रखा है। आपका शनि खराब है, मंगल खराब है, राहु खराब है, केतु खराब है, बाकी किसको खराब करते ही नहीं है, किसको खराब बोलते भी नहीं है। सबसे अभी किसने बताया कि राहु ग्रह है, राहु आपको दुनिया में सबसे ज्यादा अनबिलीवेबल दोष चीजें देने वाला राहु ग्रह ही है, वही आपको सब देता है। और शनि आपको अच्छे कर्मों का ही फल देता है, वो कोई भी ग्रह खराब नहीं होता। तो ये विनंती भी है कि कोई अच्छा प्रोडक्शन करना है से अच्छा आप रियल प्रोडक्शन कीजिए लोगों का, कि आपके ये खराब ग्रह हो चुके हैं। कोई भी एस्ट्रोलॉजर आप जाएंगे ना, वो कुछ पास नहीं बताता या कुछ नहीं बताता, वो अगर आपको कुछ बताएंगे कि आपने ये कर्म कुछ तो किया हुआ है, वो गलत भी हो सकता है, सही भी होता है, वो गलत होगा, इसलिए आपको कुछ ना कुछ ये फल मिल रहा है, बीमारी है आपको, ये आपको प्रॉब्लम चल रहा है, उसको ओवरकम आप कीजिए। आप ये बताते हैं कि क्या करना चाहिए, लेकिन उसके लिए क्या नहीं, आपने क्या किया, वो गलती सुधारो, वही कर्म अच्छे करो, वही इम्पोर्टेंट है। मुझे यहाँ पे हमारे मित्र
मनोज जोशी जी ने बुलाया और यहाँ पे मुझे मंच पे बुलाने के दो शब्द कहने की मौका दिया, इसके लिए मैं आपका आभार मानता हूँ। थैंक यू वेरी मच। भारत माता की जय। देश विदेश की ताजा तरीन खबरों से अपडेट रहने के लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी जरूर दबाएं ताकि सभी खबरों से आप और आपके जानने वाले रह सके अपडेट।